लगाओ इसको सामने भाई। भाई यार भाई, अरे भैया डरो मत यार, पीछे रहो यार, आप डरने लगे आप। दोस्तों नमस्ते। नमस्ते दोस्तों, मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहता हूँ दोस्तों, क्योंकि पिछले टाइम जो आपने देखा होगा कि एक हाईवे पे हम कार लेके जा रहे थे और अचानक एक लड़का घिरा हुआ था, उसकी मौत नहीं हुई है, वो बच गया है दोस्तों। लेकिन जो चुड़ैल जो रास्ता काटा था, तो वो ये जो लोकेश भाई हैं, ये हमारे वीडियो में पिछले आ चुके हैं, फिर से आए। जो ये दोस्तों इधर आसपास जो आदिवासी इलाका है, इधर कोई गाँव में है, तो ये थोड़ी चर्चा करते हैं। तो इनको एक स्टोरी मिल गई जो इनको पता घटना क्या हुई, जो इनसे सुनते हैं मुझे। तो लोकेश भाई क्या कहानी है बताओ मुझे। यूवी भाई, मैंने जो अपने सोन जी भाई है जो यहाँ पे उनका रहवास है, जो कि हमने पहले जो वीडियो बनाया था वहाँ पे क्या हुआ था उनकी, मतलब थोड़ा सा जोर से बोलो, कैमरा हमारा रिकॉर्ड नहीं कर पाएगा आपकी बात। आप क्या बोल रहे हो, थोड़ा पिंटू भाई आगे आ सकते हो, क्योंकि इनकी आवाज़ काफ़ी कम है, तो पता नहीं क्या कह रही है। हाँ हाँ, तो वो जो सोवन जी भाई है, उनके जो गन्ने में हमने पहले शूट किया था, उनके गन्ने, उनकी स्टोरी मैंने सुनी थी, लेकिन उनका विश्वास नहीं हुआ था। पर मैं भी डरता हूँ, इसलिए मैंने बोला कि मेरे भाई और हैं, उनको बुलाऊंगा मैं, और हम साथ में आके आपका कुछ मतलब वो जो भी होगी हम सहायता करेंगे, और आपका जो भी होगा हम पूरा देखने का प्रयास करेंगे क्या हुआ आपके साथ, क्या घटना है, क्या स्टोरी है। लेकिन यूवी भाई, उनमें क्या हुआ कि उनकी मतलब स्टोरी ऐसी है जो हमें एकदम झंझोल के रख दिया। अच्छा, क्योंकि अभी हम जाएंगे उनके पास, मैं अकेला भी नहीं जा सकता वहाँ पे, जाएंगे हम उनके पास, चलते हैं वहाँ पे, और वो ही बताएंगे पूरी स्टोरी, हमने लोगों से सुनी है, लेकिन उनकी बातों पे हमें विश्वास नहीं हुआ। अच्छा, मैंने सोचा भाई को बुलाते हैं, फिर हम साथ में चलते हैं वहाँ पे। तो मतलब घर छोड़ के इधर बैठे हुए, हाँ वो यहीं पे रहते हैं, कहीं बाहर जाते नहीं, कहीं नहीं, यहीं पे रहते हैं वो, तो वहीं सुनते दोस्तों। तो यहाँ पर सोन जी करके क्या बंदा है पता नहीं, ये क्या कहना चाहते, अंदर चलते, पता नहीं क्या है क्या नहीं स्टोरी, आगे बात करते हैं। तो गन्ने कौन से वाले हैं लोकेश भाई? गन्ने ये सामने सामने वाले गन्ने। हाँ, उनकी स्टोरी ऐसी थी, पहले वो अरे वो कहाँ चमक रहा भाई, पिंटू भाई देना, वो कहाँ चमक रहा है सामने का देना। हाँ कुछ यार, कुछ यार चमक रहा थे, चमक रहा भाई। तो पॉलिथीन बड़ी हुई है, पॉलीथीन ही लग रही भाई, क्योंकि पॉलीथीन ही चमकती है ऐसी। तो दोस्तों हम डर गए कि यहाँ पर कोई पॉलीथिन लगी हुई है, जो कि जिन्हें सेफ्टी कर रखी है, जो वो चमक चमक कर रही थी, हम अचानक डर गए, ऐसी क्या चीज़ है, काफ़ी डर गया है ना। ये वाला जगह तो ऐसे लगती है पट्टी कुछ मुझे। हाँ बिल्कुल, एक काम करो छोड़ी, ये देखो मेरे पास सुनो लोकेश भाई, ये जो बाहर सोते हुए मतलब ये मतलब अकेले सो रहे हैं ना, यहाँ पर अकेले सोते हैं? अकेले सोते हैं, अकेले सोते हैं, अकेले सोते हैं। मैं इनको उठाऊं क्या? उठाना तो पड़ेगा यार, क्योंकि हम आए तो फिर उठाना तो पड़ेगा। मोहन जी, मोहन जी अरे भाई अंदर से आवाज आ रही है, भाई कौन है लोकेश भाई, क्या संभालो यार, क्या चीज है ये, बाहर कौन है, ये हटाना कौन है, तो अभी
अरे क्या नाम है आपका, क्या नाम भूलिए भैया? सोहन जी। अरे हम चोर नहीं है, आपसे मिलने आए। अरे हम बाहर से आए कुछ काम से, आपसे मिलना है। अरे अरे हम चोर नहीं है, आपसे मिलने आए। टॉम भाई का ये आपका लोकेशन बोलो ना आप यार। आराम से बिखरो, इकट्ठे मत खड़े रहो भैया, आप पीछे रहो। सोन जी ये हमारे भाई साहब है जो आपकी सहायता के लिए आए, आप एक बार बाहर आओ, बाहर आओ, कुछ नहीं, हम पास में आए, पड़ोस के जो इन लोकेश भाई ने बताया, आराम से मिलने आए। नमस्ते आपको। नमस्ते, बैठो आप, बैठो आराम से, बैठो बैठो। आइए यार, आपको एक बात पूछना चाहता हूँ, मुझे समझ में नहीं आया ये क्या कर रहा है, हम डर गए यार, ये यहाँ पर अंदर आवाज आ रही थी ये। हाँ ये वाली क्या कर रखा आपने इधर यार, क्या बताऊँ मेरी समस्या आपको, तो मतलब ये समस्या मुझे समझ नहीं। बैठो यार आप, दो मिनट शांति रखो, रिलैक्स रखो, कोई आप डरो मत, दो मिनट रिलैक्स लो आप यार, क्योंकि हम भी आए अचानक, क्योंकि उनको लगा है कौन आ गए थे। मतलब मुझे यार सोचिए, बताओ ये जो आपने ये बिस्तर बेड पे डाल रखे हैं ना, आप अंदर सोए, अंदर से आवाज करे, हम डर गए, हम खुद डर गए यार। अरे यार तो एक वो आती है कोई रात को, चुड़ैल चुड़ैल आती है। हाँ इसलिए फिर ये ऐसा बना के फिर मैं अंदर सोता हूँ। थोड़ा जोर से बोलोगे तो हमारे कैमरे में रिकॉर्डिंग हो, अरे आवाज़ आपकी कम आ रही है, क्या बता रहे हो आप? मैं बता रहा हूँ कि रात को कोई आती है यहाँ पे। अच्छा, तो ये ऐसा बना के सोता हूँ तो वो ये देख लेती है बारिश होया हुआ है। अच्छा, और मैं सोता हूँ अंदर, और मेरे दो बेल बंधे हुए हैं। अच्छा, दो बेल है? दो बेल है। अच्छा, मैं उनके विश्वास से यहाँ रहता हूँ। अच्छा, और बाकी तो रात को यहाँ बहुत खतरनाक काम है, चुड़ैल आती है। और आराम से बैठ जाओ भैया, सब बैठ जाओ। तो दोस्तों जो वही है ना ये लोकेश भाई जो इनके साथ हादसा हुआ, तो इनसे बात सुनते हैं, इनके साथ ऐसी क्या घटना घटी है, ध्यान से सुन लेना ये क्या कहना चाहते हैं। तो हाँ तो सो आप बोलिए, तो आप क्या कह रहे थे? तो ये यहाँ पे क्या है, पहले के टाइम में मेरे बाप दादाओं ने बताया था कि यहाँ पे रोड पे कोई बैलगाड़ी से नीचे आकर के एक औरत मर गई थी। अच्छा, तो वो रात को यहाँ चलती फिरती रहती है, चलती फिरती रहती है। और मेरा ये खेत है सामने। अच्छा, ये सामने वाला खेत है? सामने वाला खेत है। इसके अंदर मैंने वो गन्ना बोया था पिछले साल गन्ना बोया था। हाँ, तो रात को आई अंदर और उसकी छाया पड़ते मेरा गन्ना सूख गया। और मैं उस दिन यही सोया था, शनिवार का दिन था। अच्छा, और मैं यही सोया था, रात को 12 बजे की बात है, और मैं यहाँ सोया था। तो उधर से एकदम वो आई और मेरी नजर पड़ी। अच्छा, तो उसका थोड़ा सा चमक लगी मेरे को, हाँ नजर आ गई है। अच्छा, और उसको देखते ही फिर मैंने देखा गन्ना सूख गया और मेरी यहाँ सांसें रुक गई। ओरे बाप रे, और मैं भी मरने वाला था। अच्छा, मेरा भी जीव निकल रहा। अच्छा, इस तरीके से मैं भी हो गया था। फिर तो फिर मेरे को फिर होश आया, देखा गन्ना जल गया। अच्छा, और फिर मेरे फरवरों की हालत बुरी हो गई, क्या करूँ, मेरे से बर्बाद कर दिया मेरे को। रो मत आपकी हेल्प करने के लिए आए हैं, आपसे मिलने के लिए आए, तो किस लिए आए यार? कुछ न कुछ हम आपका सॉल्यूशन निकालेंगे। रो मत से कुछ नहीं होगा, आपकी फीलिंग समझाओ, क्या हुआ, जो होगा वो हम करेंगे आपके लिए ना। बर्बाद हो गया, मेरे ऊपर कर्जा हो गया, गाँव में जाता हूँ लोग कपड़े खींचते हैं, और मैं इसीलिए अकेला बेलों के पास में सोता हूँ। और तो पिंटू भाई आप इधर आ जाओ, कुछ रिकॉर्डिंग उधर से नहीं होती होगी। हाँ, अब वापस बोलिए, क्या हो गया, मतलब क्या कर्जा हो गया आपका? मेरे कर्जा हो गया, जमीन में फसल होती नहीं है। अच्छा, और जमीन श्रापित हो गई है, और श्रापित हो गई है जमीन, और कर्जा हो गया मेरे ऊपर, और अब मैं गांव में जाता हूँ लोग कपड़े खींचते हैं। अच्छा, अब मैं कहाँ जाऊँ, मैं आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो गया हूँ। और उसके बाद में फिर मैंने ये किया, अपने बैंक से लोन लिया। अच्छा, और वापिस मैंने ये गन्ने की फसल खड़ी है। अच्छा, वापिस बोया नहीं, भगवान क्या जाने मेरे को फसल होती है नहीं होती है, वो तो भगवान ही जाने। अब ये उसका है जो उसकी छाया के हिसाब से, क्या मालूम फसल बर्बाद भी हो सकती है, और मैं वापिस बर्बाद हो जाऊंगा, और मेरा कोई परेशान हो गया हूँ मैं।
दोस्तों यार ये एक ऐसी बात सुनकर हमारा भी दिल नहीं है कह रहा कि यार इनकी रिकॉर्डिंग ले, लेकिन फसल को कुछ नहीं होने वाला। फिर उसके बाद और मेरे ये घर है पुराना, ये घर ये पड़े हुए, हाँ ये घर पड़े हुए हैं और मेरा दो घर उसके एक पैर से जो पूरा घर खंडर हो गया है। अच्छा घर खंडर हो गए, खंडर हो गया घर और उसके ऊपर केलू पत्थर सब टूट गए। और अब मैं तो अंदर देख सकते हैं अपन क्या देखो आप, मगर मेरी गारंटी नहीं है। क्यों? अंदर कुछ भी हो सकता है, मैं तो कभी गया नहीं वापस उसके बाद। आप गए भी नहीं? नहीं गया मैं उधर, मैं बस यही सोता हूँ, इसके अंदर ही सोता हूँ बंद करके बेलों के पास में, और बाहर ये बना के ऐसे जैसे आदमी सोया वैसा बना के मैं अंदर सोता हूँ। अब आप अंदर तो अंदर कहाँ सोते हो? कोई गारंटी नहीं है, कोई हादसा हो जाए तो मैं कह नहीं सकता हूँ। तो यार ये कैसे हो गया यार, ये सुनिए आप यार, पहले इतने यूं सब कुछ बढ़िया था, अच्छा था यार, मतलब ये तो बात है। ये क्या बोलूं यार, आप शायद हमारे एक वीडियो में आए हुए थे, ये पहले आप ये नहीं आए क्या, याद हो कुछ ऐसा लगता है क्या, ये वीडियो में आए हुए थे ऐसा कुछ पहले? नहीं नहीं बस ये आप बकवास करते तो कोई ऐसा तो लगता रहे आपका चेहरा मिल रहा है इनका या नहीं, ये नहीं भाई ये नहीं है, ये नहीं है? नहीं, 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 नहीं मतलब ऐसा लग रहा है इनकी आवाज मिल रही है ऐसा कोई पहले आए हुए जैसे ना ऐसा लगता हो तो ये घर देखते ना वो नहीं है भाई। तो आप आ रहे हैं अंदर की? मैं तो आप बता देता हूँ आपको बाहर से, मैं तो डरता हूँ। एक बार आओ तो मकान बता दो आप, आओ ध्यान से हो बंद पड़ा कितने साल से। अच्छा अंदर कोई जाते नहीं है तो ऐसा प्रॉब्लम है यहाँ तो, मैं तो इधर आते ही नहीं हूँ, आप साथ में इसलिए आया हूँ इधर, बाकी नहीं आता हूँ मैं तो इधर। अच्छा आराम से आराम से, पैर में लगता है इनके कोई प्रॉब्लम, देखा चल नहीं पाते। आप वही खड़े रहो, बस इतनी हमें सहायता मिल गई, बाकी का काम हम करते। आप यहीं खड़े रहो। जल्दबाजी मत करो, कोई सांप हो सकता है अंदर, कुछ भी हो सकता है। रुको रुको बोलो उसको, कैमरामैन आप आओ। भाई देखना कितना पुराना घर है। अरे बाप रे, ये ऊपर देखो जाना, बहुत पुराना लगता है यार भाई ये तो। ये चूल्हा पुराने चूल्हे पड़े हुए हैं, बर्तन वगैरह सारे अंदर क्या पड़ा हुआ। अरे बाप रे, मतलब अब सुकून करे क्या, कुछ ऐसे करे क्या, चूल्हे लाए हैं ना चिकनी भाई, मैं चूल्हे बुलाने की कोशिश करूँ क्या? चूल्हे को यूँ देखते हैं ना, देखो बहुत पुरानी चाबी है भी है, देखो छेड़छाड़ी करते हैं ना, डरना मत कोई भैया, भैया आप भी डरना मत। ये चाबी होती पुरानी ये भाई, या मैं सुनो अब मैं उसको बुला रहा हूँ जाना ना, हम इसी वक्त आपको याद कर रहे हैं, अगर ऐसा कोई स्थापित हुआ हो, अगर आपको ऐसी कोई लेन देन हो या कोई पूजा पाठ हो, हम करने के लिए तैयार हैं, आप सामने आके हमें जवाब दो भाई। ये लाइन किसकी है, ये चमक चमक कोई चमक, हम आपको याद कर रहे हैं, यहाँ पर ऐसी कोई चीज है तो सामने आए। रुको 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 रुको, ये चुड़ैल ने जो कब्जा कर रखा है इसका अपमान करना चाहिए, क्योंकि वो सामने ऐसे नहीं आएगी, समझे आप? इधर रुको लोकेश भाई, सामने आओ जो भी हो, सामने आओ जो भी हो आप। कोई हो क्या है? एक काम करते,
देखो मैं बुला रहा हूँ भैया, डरना मत भैया, लोकेश भाई डरते नहीं है, नहीं 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 डर, अचानक कुछ हो गया आपकी जिम्मेदारी उनको, ठीक है ना भाई पिंटू, चल कुछ करते हैं, बुलाते हैं उसको, देखते हैं सही है या बात सही क्या है। चलो जी आपको क्या लगता है यार, ये गन्ना यही है ना? गन्ना यही है भाई, आपको पता हो तो हमने जो पहले वीडियो शूट किया था वो इनके जस्ट बाजू में था, वो जो क्रॉस किया था ना रोड, अच्छा अच्छा वही लोकेशन है, ये वही यही पे मोहन जी का घर है। अच्छा ये वाला वो बाहर वाला हाईवे वही था ना एक्सीडेंट हुआ, वही हाईवे, वो 200 जो जो जुड़ेल थी उस गन्ने के अंदर घुसी थी वो वही गन्ना है ये। अच्छा, ये वाला ही क्या? ये वाला ही भाई। रुक लो कोनो कोनो हो क्या ले ले को यहां से आदमी अरे भैया डरो मत यार, पीछे यार आप अब डरने लगे, अब डर के मेरी कोई गारंटी नहीं है। क्या नाम है मैं? अरे लोकेश नाम क्या उनका? सोन जी डरना मत। भाई यार घूम गई साली, यहाँ कब तक खड़ी है? तेरा कब्जा मैं हटा के जाऊंगा। कोई यहाँ से कोई आवाज भी आई? कोई यहाँ से कोई तो आवाज आई, आवाज यहाँ से भी आई कुछ? हाँ पीछे कैसे वो जा रही है, वो देखो सामने के बाद। हाँ एक बोल भाई, यू भाई हाँ इसके कब्जे से अपन को अपने पास पूरा मेटेरियल नहीं है, तो कब्जा छुड़ा नहीं देंगे अपन। ओए उसाम सोन जी के सर कुछ बहुत ही अंदर चले गए थे। इसी जगह बुला दी हमने, आई वो इधर इस जगह आई थी मोहन जी। घंटी की आवाज कुछ बोलेगा? हाँ भाई, हाँ भाई भाई किधर गए? मैंने मेरी आंखों से देखी, आप लोग किसी को देखे इधर? देखी हाँ, इस टाइप ही गई, इस तरह भी गई थी भाई, देखी मैंने खुद ने देखी। कुछ आवाज आ रही है भाई घंटे की, कुछ ऐसा कुछ है भाई। गली में आप ज्यादा मत, आप डरो मत यार, या तो घुस आगे रह दू, आप जाओ आगे जाओ, जो भी होगा जमीन नहीं पड़ता रहूंगा। उतर यहाँ से, उतर जल्दी, आवाज आई थी इस सेट। हां फिर ना इस सेट, बट वो पिंटू हां ये भाई ये सामने चली, इसे एक ये लो आके, ये लो इसको बुलाओ, तो कुछ किस जगह ने
आ गए चल। कौन देखते हैं यार, अब गन्ने की फसल सुखा है यहाँ के। तू इस गन्ने की फसल सुखाएगी? वो दायरा इन्होंने वो रास्ता काटा है, वो उधर से सीधा घुसते हैं। मतलब अब देखते हैं गन्ना कैसे सुखा है। सोहन जी डरना मत, आप हताश मत हो यार, आप रो मत यार, हम आपके साथ में यार, आप रो क्यों रहे हैं? रो रहे क्या? करो आप 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 मेरे साथ हो। सोहन जी आप भूत बुलाओ, मैं इनको लेके जाता हूँ यार। आप भूत को इधर आओ चकन जी। यार इनको दोस्तों हम एक बार भाई रिलैक्स ना, कैमरा बंद कर भाई, एक बार कैमरा बंद कर दे बात हूँ। ये हमने मेहनत की है, पता नहीं है दोस्तों यहाँ पर। देखो मैं क्लियर बता रहा हूँ, मैं दिल से बता रहा हूँ, इतनी रात को मैं उसको कंफर्म भी नहीं कह सकता हूँ वो कोई चीज़ आज तक छलावा है क्या है, कोई जानबूझ करके यहाँ पर इनको डराने के लिए या खेतों में कब्जा करने के लिए कोई इंसान भी हो सकता है। तो पहले इंक्वायरी करेंगे दोस्तों। मैं इस वेरीफाई बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ कि यहाँ पर कोई जगह खराब है, कोई सब है, जब तक मुझे विश्वास नहीं है जब तक मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। पता नहीं कोई डरा भी सकता है इनको भाई, कोई बनकर डरावे और क्या पता जन्ना इनको पता नहीं उस दिन जला कैसे जला। देखो इसका बात का प्रूफ हम करेंगे और इसका एपिसोड हम कल डालेंगे और ये वाली जो वीडियो है कल आएगी, आपको मिलेगी। और सॉरी वो कल वाली जो वीडियो है वो परसों आएगी। दोस्तों रिलैक्स करते हैं, चाय बनाते हैं, चाय पीते हैं, रिलैक्स। आप डरो मत इनको, आप शक्ल देखो एक बार इनको, कर्जा बहुत है इसलिए इनको बहुत वो माइंड में भी सही है, वो भी टेंशन है। अरे हाँ वो कोई दिक्कत नहीं है इन, वो जो आपने बताई फांसी, दोस्तों फांसी लेने के लिए भी ये तैयार बैठे हुए, तो हम इनको मनाते हैं। जो पैसे होंगे छोटे मोटे मैं देता हूँ इनको और इनको मना लेता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और चाय पीते हैं दोस्तों, तो थोड़ा वीडियो ब्रेक करते हैं, चाय पीते हैं और आपको हम थोड़ी पूरा सीरियस मैटर में थोड़ा सा हंसी मजाक करते हैं, इनसे भी थोड़ा डरे हुए हैं। तो चलो मोहन जी चाय वाय की व्यवस्था है नहीं आपके यहाँ? है चाय पीते हैं, चलो एक बार कैमरा बंद कर लो, चाय पीते हैं चलो। छगन जी वो चीज़ आई सामने, वो खतरनाक ही थी ना, बहुत भारी चीज थी भाई। मतलब अभी तक उसका प्रूफ नहीं हुआ वो यार, मुझे थोड़ा डाउट लगा। हाँ उसके लिए अपने को सामान और लाना पड़ेगा। हाँ मतलब सामग्री कम पड़ रही है, वो सामग्री पूरी करनी होगी ना। हाँ बिल्कुल, तब जाके वो पूरे यार ये भी थोड़े यूँ डरे हुए हैं यार, समस्या सॉल्व करनी पड़ेगी। ऊपर से कर्जा चाय बन रही है, चाय बनाओ।